अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है जमीन और आप देख रहे हैं किचन विद जमीन। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार रेसिपी लेके आई हूँ जिसका नाम है पकौड़ियाँ चाट मिक्स। तो इसके लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और ये कैसे बनते हैं आइए देखते हैं। यहाँ पर मैंने 3 आलू लिए थे जिनको मैंने काट लिए, केले लिए, अनार, अंगूर और सेब लिए, आधा किलो पकौड़ियाँ ली थी जिनको मैंने भिगो के रख दिया था, अभी नरम हो गई हैं, एक बड़े साइज की कटी हुई प्याज, एक टमाटर को मैंने स्लाइसेस में काट लिए और एक को मैंने क्यूब्स में काट लिए, पुदीना, सब्ज धनिया और सब्ज मिर्ची 3 कटी हुई लिए, आधा कप किशमिश और यहाँ पे मैंने दही का पैकेट लिया। तो चले इसे बनाना शुरू करते हैं। यहाँ मैंने एक बड़ा बर्तन लिया है, इसमें हम ये सारे फ्रूट्स डाल देंगे, इसमें पकौड़ियाँ डाल देंगे, किशमिश, बॉईल किए हुए आलू, प्याज, धनिया, सब मिर्चे, टमाटर और पुदीना डाल देंगे इसमें। और इसमें 2 चम्मच चाट मसाला डाल के इसे अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। तो इसे मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिए। तो अब मैं इसमें दही डाल रही हूँ। तो अच्छे तरीके से इसे हम मिक्स करेंगे। इसे मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिए। अब मैं इसमें आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच लाल मिर्च डाल के इसे मिक्स कर लूंगी। अब मैं आपको अपनी पकौड़ियाँ चाट मिक्स बाल में निकाल के दिखाती हूँ कि ये कैसी बनी है। तो देखिए तैयार है हमारी बहुत ही मज़ेदार पकौड़ियाँ चाट मिक्स की रेसिपी। तो कैसी लगी आपको मेरी ये छोटी सी रेसिपी? अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ वाले बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली हर डिलीशियस रेसिपी आपके पास सबसे पहले पहुंचे। अब मैं आप लोगों से इजाज़त चाहती हूँ। खुदा हाफ़िज़।